सो गाइस, बैक टू बैक टू बैक स्टोरीज अगेन। वापस मैं आ चुका हूँ एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। एंड ये बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं ऐसी सूरत में हूँ नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए हॉरर स्टोरी कंटिन्यू डाली जाए, चाहे मैं घर पे हूँ चाहे ना हूँ। तो बस मैं आ गया बनाने के लिए। सो फिलहाल आई एम इन जयपुर, मेरे रिलेटिव्स के यहाँ रुका हुआ हूँ। अंजलि आपने मेरी वीडियो में देखी होगी, बहन है उसके घर पे हूँ अभी मैं। एंड बड़ी मुश्किल से सेटअप किया है, कुछ कुछ करके लाल लाइट्स लगाई है ताकि हॉरर माहौल बना सकूँ। बेसिकली देखो, मुझे पता है मेरी हॉरर स्टोरीज से ज़्यादा मेरी कंसिस्टेंसी देख के आप लोगों को ज़्यादा डर लग रहा होगा, लेकिन हाँ भाई मैं अनप्रेडिक्टेबल हूँ। मुझे खुद ही नहीं पता होता मैं अगले मोमेंट क्या करूँगा, तो अभी मन है तो बना रहा हूँ, तो एन्जॉय करो। ओके, सो दिस स्टोरी इज ऑफ माई सब्सक्राइबर। मेरा सब्सक्राइबर एक वरुण नाम का, ठीक है। उसकी ये जो स्टोरी है वो मेरे गांव के काफ़ी नज़दीक की है, तो मैंने काफ़ी रिलेट किया उस चीज़ से। एंड काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जो मैंने भी कहीं सुनी हुई है, ऐसा फील करा हुआ है मेरे गांव में आसपास जाते वक्त। तो मतलब मेरे को लगा कि नहीं, ये चीज़ तो आपको बतानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एकदम जो लोग राजस्थान से स्पेशली वो लोग काफ़ी कनेक्ट करेंगे इस चीज़ से। तो अब देखो, गाँव का नाम तो बताने को उसने मुझे ना बोला है, तो मैं गाँव का नाम नहीं बताऊँगा, बट एक कोई नाम तो रखना पड़ेगा ताकि ईजी लगे स्टोरी में बताने को। रामपुर नाम रखते हैं अपन, रामपुर नाम का कोई गाँव था, ठीक है, ऐसा लगता है। एंड ये दौसा के पास था, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ ये सिटी में रहता था, बेसिकली सिटी में रहता था हैदराबाद। तो वहाँ से ये लोग आए थे गांव। क्यों आए थे, इनकी पूरी फैमिली है, इनके मामा चाचा सब लोग आ रखे थे अपने नानी के गांव, क्योंकि इनके बड़े मामा की बड़ी बेटी, उनका लड़का हुआ था बहुत सालों बाद, तो जामना था। जामने का फंक्शन होता है, जो नया बच्चा होता है उसके, नया बच्चा क्या, बच्चा नया ही होता है, खैर, तो जो फंक्शन होता है उसके लिए सारी फैमिली आ रखी थी। सब लोग बहुत खुश थे, बहुत मज़े कर रहे थे, आज जामने का फंक्शन है ये, बहुत टाइम बाद सारे कजिन्स एक साथ मिले थे, तो काफ़ी सब लोग एकदम मज़े कर रहे थे, चिल कर रहे थे, पुरानी बातें याद कर रहे थे कि जब छोटे थे तब कैसे मस्ती करते थे वो लोग, और मतलब अब इतने बड़े हो गए। सो बेसिकली तब वो 11th या 12th में था, ये बात होगी कम से कम आज से 7-8 साल पुरानी, ऐसा उन्होंने कहा था मुझे, तो 2015-16 में भी। क्योंकि वो जामने का फंक्शन हो गया, इन लोगों को बहुत मज़ा आया, कजिन सारे बहुत मज़े कर रहे हैं गांव में, ठीक है, बहुत टाइम। एक तो सिटी के लड़के या सिटी के लोग जब गांव जाते हैं तो काफ़ी उनको मज़ा आता है, फील आता है, और साथ में कजिन्स मिल जाए तो रात को हॉरर स्टोरी सुनाना, रात को मज़े करना, लूडो खेलना एंड ऑल, छुपन छुपाई हम तो बहुत खेलते थे। खैर मैं अपनी स्टोरी क्यों घुसेड़ रहा हूँ, मैं अपनी ही बताऊंगा कभी, मेरे गांव की बहुत खतरनाक स्टोरी है, बट फिलहाल ये बताता हूँ। तो बेसिकली काफ़ी मज़े किए, जामना हो गया, फंक्शन हो गया, सब कुछ परफेक्टली हो गया, एक दो दिन हो गए। अब वो लोग वहीं पर रुके हुए थे, उन लोग का गर्मियों की छुट्टी थी, तो उन लोगों ने सोचा कि भाई आराम से यहाँ पे रुकता है। सब लोग एक वीक का टाइम लेके आए थे, मतलब काम धंधे से, पढ़ाई लिखाई से, बट पढ़ाई लिखाई तो क्या छुट्टी होती है, गर्मियों की छुट्टियाँ होती है। तो अब क्या हुआ ना कि 2-3 दिन हो गए सब लोग थे वहाँ पे, अचानक से ना उनका काफ़ी बड़ा घर है, जो उनका नानी का घर है वो बहुत बड़ा है, पीछे तक पूरे हॉल्स रूम्स बहुत सारे, 7-8 रूम्स हैं अंदर ना, तो बहुत बड़ा घर है। तो जो मेन चौक है उसके बाहर भी एक चौक है, जो गाँव में आप अगर रहते हो या फिर अब गए हो तो आपको पता होगा, बाहर एक चौक होता है जहाँ मतलब बैठने के लिए जगह बना देता है, तो वो चौक था। वहाँ पे एक उसका गेट था, मेन गेट जो होता है वो गेट था। वहाँ पे एक बाबा आता है अचानक से, तो कमंडल हाथ लेके एकदम से, एक बाबा आता है, अकेले थे, सफ़ेद दाढ़ी, एकदम ऐसे इतनी एज लग रही थी, बहुत बूढ़े बाबा थे काफ़ी। एंड वो आता है, आके खटखटाते हैं गेट, मतलब खुला ही था पूरा, हालांकि बाहर का चौक, तो खटखटाते ऐसे बजाते हैं, तो बाहर सबका ध्यान जाता है भाई कौन आया, तो सबका ध्यान जाता है, देखता है भाई कि बाबा आए हैं। तो इतनी देर में कोई जाता है, उससे पहले क्या हुआ, छोटे मामा जो थे उनके, वरुण के छोटे मामा, वो गेट के पास ही होते हैं, तो वो जाते हैं, भाई यहाँ भी क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा जो तेरे से बन पड़े ना वो मुझे दे दे, इतना ही बोला कि जो तेरे से बन पड़े वो मुझे दे दे, चाहे 2 रुपये दे, चाहे 10 रुपये दे, चाहे रोटी दे दे, चाहे जो तेरे से बन पड़े मुझे दे दे। अब इसके मामा जो है ना वो थोड़े छोटे मामा थोड़े स्पेशली वो वैसे हैं, मतलब कहते ना पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कर ली, तो इन चीज़ों को मानते नहीं, बाबा बाबा बोलते कि ढोंगी है क्या है ये, तो वैसे टाइप के थे। तो उनने रूडली जवाब दे दिया कि नहीं है कुछ, आप चले जाओ आगे जाओ। तो उनने वापस बोला कि बेटा मैं प्यार से ही तो बोल रहा हूँ, छोटी चीज़ मांग रहा हूँ, जो भी तेरे से बन पड़े देते, मैं नहीं बोल रहा कि तो मुझे बहुत कुछ दे दे, बस थोड़ा सा जो भी तेरे से बन पड़े मुझे दे दे। इनको आ गया गुस्सा, ये थोड़ा सा सिटी से आए थे और तब नया नया जोश था जवानी का उनका, तो उनने भड़क गए पे, कोई काम धाम नहीं है, फ्रॉड ये बाबा है, आके परेशान करते रहते हैं हर घर में, इनको चाहिए खाने को चाहिए, पैसे चाहिए, चल जाओ अगले घर में कुछ काम धंधा कर लो, ये वो बिगाड़ रखा है समाज को, बहुत कुछ गंदा गंदा सुना दिया मतलब बेसिकली। अब क्या हुआ ना कि बाबा ने कुछ नहीं करा, बाबा को क्रोध आया बट वो कुछ बोले नहीं हालांकि, और अंदर से सब लोग देख रहे थे ना, वो लोग बाहर आ गए, अरे ऐसा मत करो, इतना चिल्लाओ मत उन पे, जिन लोग गाँव के थे उन लोगों को पता ही था, तो उन्होंने बोला अरे चिल्लाओ मत, पागल हो क्या, ऐसा मत करो, रुको उनको पैसे दे दो ये वो। तो उन्होंने बोला बिल्कुल कोई नहीं देगा, छोटे गाँव की थोड़ी बहुत चलती थी यहाँ पे, तो थोड़ा मतलब ऐसे थे कि मतलब गुंडाबाजी होती है ना थोड़ी बहुत वैसी थी, तो उनकी सब सुनते थे कि कोई नहीं देगा इनको पैसे, बिगाड़ रखा है तुमने इन लोगों को, ऐसा ऐसा करके भगा दिया उनको। तो अब ये जो बाबा थे उन्होंने क्या किया, वो स्माइल की, क्रोध में ही स्माइल की
गुस्से में थे, एंड जाते वक्त तुमने क्या किया, कमंडल में से पानी लिया, पानी के छींटे बस ऐसे घर पे डाल दिए, घर पे बस छिड़क दिए, छिड़क के कुछ कुछ बोले और चले गए, ये हो गया समाप्त। अब सब डर रहे थे कि भाई ने क्या कर दिया, पानी के छींटे छिड़के सामने सामने, क्या होगा कुछ पता नहीं। देन अब पहले तो डरे, लेकिन एक रात चलेगी, दो रात चलेगी तो सब लोग शांत हो गए, अब क्या ही है, खैर एक दो दिन बाद किसको क्या याद रहता है, कजिन्स के साथ खेल रहे बढ़िया लोग आ रखे हैं, गेट टुगेदर हुआ है, तो सब लोग भूल गए। दो दिन बाद अचानक से क्या होता है, जो इनकी बड़ी मामी है, ठीक है, अचानक से रात को 2:30 बजे उठती है टॉयलेट के लिए, बाथरूम में इतना ज़ोर से स्लिप होती है कि सीधा उनका सर फूटता है, सर फूटता है, वहाँ से खून बहना चालू, खून की धारा शुरू हो जाती है बहुत भयंकर तरीके से, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा, और वो चिल्लाया करके सब लोग घर के भागे, क्या हो गया क्या हो गया, देखा तो भाई वो फिसल रखी है, और फिसली क्यों है, क्योंकि वहाँ पर तेल पड़ा हुआ है, तेल पड़ा हुआ, से पूछे तेल कैसे पड़ा है, तेल कैसे पड़ा है, तो चन्नू एक्चुअली उनकी जो फिसली थी मामी, उनकी बेटी है, छोटी वाली बेटी है, बड़ी बेटी के बच्चे का जामना था, एंड छोटी बेटी जो है वो वहाँ पे आती है, बोलती है कि अरे मैं अभी 5 मिनट पहले ही जाके गई हूँ यहाँ पे, तब तो कोई तेल विल नहीं था, तब तो सब कुछ क्लियर था, और अभी इतना तेल था बाथरूम के अंदर कि पूरा तेल से घिरा हुआ था। तो ये देख के सब शौक हो गई, भाई तेल किसी ने मस्ती करी होगी, या फिर अब मस्ती तो कौन ही करेगा, खैर लेकिन क्या पता नहीं कैसे आ गया, इतना ध्यान नहीं दिया, सबने उन पर ध्यान दिया कि उनको लग गई तो सही करें, तो बेसिकली हल्दी वल्दी लगाई, सब कुछ किया सही करके लिटाया उनको। अब इस चीज़ को उस चीज़ से करेक्ट नहीं किया किसी ने बाबा से, क्योंकि भाई ऑब्वियसली गिर जाता है कोई भी इंसान रात को। अगले दिन क्या हुआ, चन्नू दी जो उनकी छोटी बेटी थी, वो सुबह सुबह उठी, ठीक है, रात को सोके सुबह उठी, एंड जैसे ही वो उठी उनने देखा, उठ के उनको अजीब सा फील हुआ, अपने ये गर्दन के पीछे वाले भाग पे एकदम से अजीब सा फील हुआ, तो हल्का हल्का सा फील हो रहा था काफ़ी, तो उनने चेक किया एक बार पीछे मुड़ के, अब बिलीव नहीं करोगे ये सच्ची स्टोरी उसने बताई, कि उनके इतने बाल थे यहाँ तक के, मतलब ये कमर तक आ रहे थे, बाल यहाँ से गर्दन से पीछे से सारे कटे हुए थे, एग्जैक्ट ऐसे किसी ने जैसे कैंची से काटे हुए वैसे कटे हुए थे, और उनके बाल शॉर्ट हाफ हो गए इतने, पीछे उनके बेड पे पूरी चोटी पड़ी हुई है, समझ लो पूरी की पूरी चोटी, उनके तकिए पे ऐसे कैसे पड़ी हुई जो बना के सोई थी, पूरी चोटी वहाँ पड़ी हुई है, और बाल बस आधे। देख के वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए, बहुत जितना भी, अब आप सोचो, आप अगर आप में से कोई लड़की है, देख रही होगी काफ़ी सारी लड़कियाँ, आप रात को सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो, एंड सडनली आप ये देख रहे हो कि आपकी चोटी कटी हुई है आगे, ये कौन, स्टार्ट में सबको लगा मजाक करा है किसी ने, लेकिन वो लड़ दी, किसने मजाक किया, ये क्यों करा मेरी चोटी, मैंने कितनी मुश्किल से बाल बढ़ाए थे। अब लड़कियों को काफ़ी प्यार होता है अपने बालों से, ऑब्वियसली हर किसी को होता है, मेरे को ही है, तो लड़कियों को कितना होगा, तो इतने से बाल है मेरा, जब इतना प्यार है लड़कियों के, इतने सारे होते हैं, खैर मैं भी क्या कनेक्शन बिठा रहा हूँ। तो बहुत चिल्लाई, बहुत गुस्सा करा उन्होंने, सब पे गुस्सा किया, लेकिन सब ने बोला भाई हम क्यों काटेंगे तेरे बाल, क्यों मस्ती करेंगे ऐसी, बाल काटने की कौन मस्ती करता है यार, बट वो मानी नहीं यार, तुमने बिल्कुल मेरा खराब कर दिया सबको, हेयर स्टाइल ये वो आधा कर दिया, पर उनके जो पापा थे उन्होंने मना लिया कुछ कुछ करके काफ़ी एक दो घंटे बाद, कि भाई यार नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तू ऐसे भी इसमें अच्छी लग रही है, इसमें किसी ने मस्ती करी होगी, पर तू छोटे वालों में और ज़्यादा अच्छी लग रही है, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि ये जो बात है सारी उस डायरेक्शन में जा रही है, पर वो खुद भी डरे हुए थे हालांकि, बट किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हालांकि, कि जो उनकी मामी है, जो उनकी मम्मी है सॉरी, जिनके साथ जो बाथरूम में गिरी थी, और जो उनकी बेटी जिनकी चोटी कटी है, वो दोनों एक्चुअल मम्मी और बेटी नहीं है, वो स्टेप मॉम है उनकी, क्योंकि उनकी जो मम्मी एक्चुअल थी उनकी डेथ हो चुकी थी, 4 भाई बहन थे, 2 भाई 2 बहन, और उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी, उसके बाद में उनके पापा ने दूसरी शादी की थी, तो स्टेप मॉम थी, ठीक है। अभी चोटी वोटी कट गई, सब हो गया, फिर भी माहौल थोड़ा शांत हुआ, शाम तक वापस वही कजिन्स आ रहे थे, तो वही मस्ती वस्ती चलती रही। चन्नू आसपास होगी, मतलब 12th के आसपास पड़ती होगी, यही 11th 12th के आसपास, ठीक। फिर अगले दिन क्या होता है, रात का टाइम था, लालटेन थी उस वक्त ना, गांव तो उतना डेवलप नहीं है, वो रामपुर जो भी गांव का नाम है बता नहीं सकता, लेकिन रामपुर रहता है, तो वो गांव उतना डेवलप नहीं है, लालटेन थी यहाँ पे, ठीक है, मतलब लाइट्स भी थी ऐसा नहीं है, बट लालटेन बेसिकली थी तब। तो रात को लालटेन लेके जा रही थी उनकी मामी, ठीक है, किचन के पास कुछ काम कर रही थी, ऑल ऑफ सडन लालटेन उन्होंने ऐसे जलाई रखी, एंड ऑल ऑफ सडन उल्टा मुड़ी थी, अचानक उनका पल्लू जो है अपने आप उस लालटेन के अंदर उलझ गया, और जो पल्लू के अंदर है पूरी लुगड़ी में आग लग गई, और आग पकड़ी इतनी खतरनाक, जो उन लोगों को पता होगा वो काफ़ी तेज़ी से आग पकड़ती है, तो अचानक से पूरी आग लग गई भाई, ऐसी आग लगी फटाक से, उन्होंने पीछे मुड़ा भाई पूरी आग लग गई, उन्होंने खोला फटाक से उतारा, और फटाफट से चन्नू आके भागी भाई, फटाक से पानी डाला उन पर, पानी मिट्टी जो मिला सब डाला, और मतलब आग बुझाई बेसिकली। तो उनका फिर भी यहाँ पे हाथ जल गया, पेट पे थोड़ा सा जल गया, ऑब्वियसली यार आग लग गई, थोड़ा सा समझ लो चन्नू अगर लेट हो जाती 10-15 सेकंड तो बहुत कुछ हो सकता था,
लेकिन वहाँ पहले तो उनका सर फूट गया था, फिर आग लगी, तो अब सबको थोड़ा सा डर लगने लग गया कि भाई ये क्या हो सकता है। तो उनके घर के जो देवता है उनको बुलाने का प्लान किया उनने। अब देवता बुलाने के लिए जो अम्मा है उनकी नानी, उन्हें देवता बुलाए। जो देवता आते हैं उनमें से एक करेक्टर है जो उनके दूर के मामा, उनके अंदर देवता था। हर किसी के अंदर देवता नहीं आते, जो लोग राजस्थान से या फिर कहीं के भी हो, आपको पता होगा जो प्योर सोल होती है या फिर कोई कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है या फिर पीढ़ियों से चलता आ रहा होता है, उनके अंदर ही ये देवता आते हैं या फिर ऐसे जिनके गण मिलते हैं उनके अंदर देवता वगैरह आते हैं। तो उनके अंदर देवता आने थे बट वो नहीं आ पाए, फॉर सम रीज़न वो देवता आए ही नहीं। बहुत कोशिश की, देवता आए ही नहीं। सब पहली बार होता है कि देवता आए नहीं, तो सब शौक हो गए भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अगला दिन हुआ। अगले दिन क्या हुआ, अचानक से चन्नुदी आ रही थी दोपहर को कपड़े लेके, सारे अपने मतलब छत से सुखा रखे थे कपड़े, वो लेके आ रही थी दोपहर को। आ रही थी सीढ़ियाँ, एक साइड उतरी, फिर गांव में सीढ़ियाँ होती ऐसे ऐसे, फिर नीचे, तो इस साइड उतर गई, फिर दूसरी जो सीढ़ी थी, दूसरी लेयर जो सीढ़ियों की थी वहाँ से उतर रही थी। अचानक से वो इतना जोर का गिरी, गोल 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 गुलाटी मारते सीधा सामने दीवार पर ठुकी, चोट से लगा उनके सर पर लगी, उनका हाथ टूट गया, फ्रैक्चर आ गया। अब यहाँ पे हो गया माहौल ख़राब, सब लोग आ गए, सब के सब, वो जोर से चिल्लाए, सब आ गए। हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है, हर रोज़ किसी ना किसी को लग रही है कुछ ना कुछ, कोई जल रहा है, कुछ हो रहा है। वो गई, देखा क्या हुआ भाई, देखा तो भाई उनके सर पे लग रखी खून निकल रहा है, हाथ पे लग रखी, हाथ टूट रखा है, सब ने उनको उठाया, बोल रहे कि किसी ने मेरे को धक्का दिया है, किसी ने मेरे को धक्का दिया है। अब वो ये बोल रही है कि किसी ने मुझे धक्का दिया, लेकिन पीछे छत पे तो कोई था ही नहीं। उन्होंने बोला लिटरली मैं हाथ में कपड़े लेके आ रही थी, किसी ने इतना जोर का धक्का दिया कि मैं पूरा, मतलब अगर समझो आप चल रहे हो, यूँ चल रहे हो तो आप ऐसे गिरोगे, आपका पैर स्लिप होगा, आप ऐसे गिरोगे। वो सीढ़ी पे से जा रही थी एंड किसी ने ऐसा धक्का दिया कि वो यूँ गिरी है, ऐसे पूरा वो हवा आपके एक और स्टाइल ऐसा गोल 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 गोल। कॉमेडी कर रहा हूँ यार, कम ऑन स्योम, यू आर नॉट दैट बैड। खैर, तो बेसिकली उनकी फिर पट्टी वट्टी करी और सब कुछ सही किया, उनका भी सेम। पर एक चीज़ देखने वाली थी कि हर कुछ इन दोनों के साथ ही हो रहा था, इन दोनों माँ बेटी के साथ ही ये सब हो रहा था, बाकी किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा था। ये देख रहा हूँ सिर्फ इन दोनों के पर्टिकुलर के साथ ही सब चीज़ें हो रही थी। ठीक है, एंड मतलब बीच में भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताया था कि जैसे बीच में कभी कभी कोई चल चलते ठुक जा रहा है, पैर में लग जा रही है, कोई भाई क्या हो रहा है सब्जी काट रहा है तो उंगली काट दे रहा है अपने आप, मतलब ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो चलती जा रही है, ये सब तो हो ही रही है दोनों के साथ में, पर सिर्फ इन दोनों के साथ ही हो रही है, बाकी किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा। अब माहौल थोड़ा ख़राब हुआ, वापस देवता को बुलाने का प्लान किया, देवता को बुलाया, देवता वापस ना आए, देवता बिल्कुल ना ही बोल दिया कि आ ही नहीं रहे। अब आज क्या करें, क्या देवता नाराज़ हो गए, क्या हो गया, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। अब माहौल जो इतना खुशनुमा था वो अचानक से धीरे 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 वैसा हो गया कि भाई बुरा हो रहा है, और ऐसे टाइम पर कोई छोड़ के जा भी नहीं सकता क्योंकि क्या हो रहा है पता नहीं, मतलब अपने घर पर नहीं जा सकते ना, ऐसा जब माहौल ऐसा चल रहा है घर का, तो और वैसे भी छुट्टियाँ थी, तो सबने बोला कि भाई सब मिलके कुछ इससे निष्कर्ष निकालेंगे इसका। फिर एक दो दिन गए एंड फिर एक रात आई। रात को क्या था कि सब लोग सो रहे थे, अचानक से उनके घर पर कुत्ता था टॉमी नाम का। अब टॉमी ने क्या किया कि अचानक से रात को भौंकना स्टार्ट किया 2:30 बजे के आसपास, और वो भौंक तो नॉर्मल नहीं रहा था, गांव में कुत्ते भौंकना बहुत कॉमन है, कुछ ना होता रहता है, नॉर्मल नहीं भौंक रहा था वो, बहुत जोर जोर से कंटिन्यू 1 घंटे से भौंक रहा था, सबकी नींदें खुल गई। ठीक है, इतना जो तेज भौंका सबकी नींदें खुल गई। आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है उनके गाँव का, ये समझ लो कि ये चौक है, ठीक है, ये बीच में चौक है, ठीक है, ये चौक हो गया, तो ये चौक है ना उसके आसपास ये यू शेप में पूरे रूम्स है, हॉल रूम सब कुछ है, ठीक है, एंड उसके ऊपर छत है, उनकी छत की डोलियाँ हैं, मतलब कि कॉर्नर्स एजिस, ठीक है, समझ रहे हो, तो ये पूरा यू शेप में घर है, बीच में है चौक, यहाँ पे है रूम्स अंदर 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 अंदर, ठीक है, ये है पूरा। अब क्या हुआ कि रात हुई एंड वो कुत्ता भौंकता रहा पाटोल पे से छत पे देख के भौंक रहा है बहुत जोर जोर से, जोर जोर से, जोर से, सब उठ गए कि भाई हो क्या रहा है, बाहर आए एक एक करके, ठीक है, इधर से मामा बाहर आए, इधर से वो दूर वाले मामा थे वो बाहर आए, एक एक करके बाहर आ रहे थे एंड बाहर आ रहे थे, अभी आ ही रहे थे, इतने में चन्नू की नींद भी खुली। अब चन्नू कहाँ सो रही थी ये देखना ज़रा, ये चौक है, ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है इसके, ये वाला रूम है, यहाँ पे इनका बेड था, तब गर्मियों का मौसम था तो पूरा गेट वेट खोल के सो रहे थे ऑब्वियसली, ठीक है, कि ताकि हवा हवा पार हो सके, ताकि ऑक्सीजन आते रहे, तो गेट खोल के सो रहे थे पूरे। वो क्या चन्नू का बेडरूम है, तो वो चन्नू अकेली उस बेड पर सो रही थी, ठीक है, वहाँ पर सो रही है गेट खोल के अपना, सब उठे, चन्नू भी उठी। चन्नू जैसे ही उठी उसने सामने देखा, ये यहाँ पे सो रही थी, इसके जस्ट सामने छत की डोली पे बाहर पैर लटका के उसकी खुद की मम्मी, जो मामी है, पूरे एकदम राजस्थानी बेस होता है ना वो पहन के, पैर बाहर लटका के उसको ऐसे देख रही है। नाउ कैन यू इमेजिन, आप बस उठे हो रात को 2:30 बजे एंड आपकी मम्मी आपको डोली पे आपके सामने, मतलब वहाँ से क्लियर रूम दिख रहा है, वो जो सो रही है उसका क्लियर व्यू दिख रहा है, समझ रहे हो,
वहाँ से वो बाहर पैर लटका के छत पे से ऐसे उनको देख रही है, वो भी रात को पूरा बेस पहन के, राजस्थानी बेस जो होता है वो पूरा पहन के। एंड जैसे ही चन्नू ने ये देखा वो पागल होकर चिल्लाई, बहुत जोर चिल्लाई एकदम से, मम्मी पापा, बहुत जोर चिल्लाई। जैसे ही ये चिल्लाई सारे घर के फटाफट भाग के आए, और जैसे ही बाहर चौक में आए, मामी जो थी छत पे से कूद गई, एक ही माले का था और कूदी। अब सोचो आप अगर कूदोगे तो आप ऐसे कूदोगे, ठीक है, एक माल, पहली बात तो मामी उनकी एज इतनी होती है, 35 साल, कोई लेडी इतना नहीं कूद सकती, वो इतनी ज़्यादा कोई बड़ी एथलीट भी नहीं थी कि कूद जाए, पूरे बेस पहन के कूदी है। कूदने के बाद अगर कूदोगे तो यूं होगे, ये बताते हैं कि ये जब कूदी थी ना, उनके पैर नीचे टिकने पे जमीन से बैंड भी नहीं हुए, ऐसे कैसे टिके रहे, ऐसे कूदी, सामने देखा और चिल्लाई और भागी इसकी ओर, चन्नू की ओर, पूरे बाल खुले हुए, गहने पहने हुए थे, राजस्थानी बेस, और भाग रही है इसकी ओर मारने के लिए। पर इतने में मैंने बताया चौक पे सब लोग आ गए थे, जैसे उसका गला पकड़ा चन्नू का, चन्नू तो एकदम पागल, एकदम डरी हुई थी, इतने जैसे गला पकड़ा, सब लोग चौक में आ गए थे, सबने पकड़ा के खींचा, सबने उनकी मामी को जो है खींचा। वरुण भी ये सब देख रहा था, वरुण एकदम शॉक था, अब वो ऑब्वियसली इतना बड़ा नहीं था तो देख के कभी शॉक हो रहा था, ऐसी उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मामी को पीछे जैसे ही खींचा सब लोगों ने, मामी मतलब 5-6 मर्दों के कंट्रोल में भी नहीं आ रही, समझ लो, मामी सबको ऐसे पछाड़ रही है, क्या छूट जाऊंगी, और चिल्ला रही है जोर जोर से, मार डालूंगी इसे, इसको जान से मार डालूंगी, इसको नहीं छोड़ूंगी। अब कोई माँ अपनी खुद की बेटी को ऐसा कैसे बोल सकती है कि मैं इसको मार डालूंगी, चाहे स्टेपो में क्यों ना हो, कुछ क्यों बोलेगी। कूद रही, और ये जब देखा सबने कि भाई कूदी, उनका पैर भी बैंड नहीं हुआ, एकदम रौद्र स्वरूप में जब कूदी तो समझ गए थे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ ना कुछ क्या है ही गड़बड़, एंड कुत्ता ही भौंक रहा था तो। बट मेन चीज़ ये थी कि वो कब से देख रही थी, ये कोई आइडिया नहीं है, छत पे से जो ताड़ रही थी अपनी बेटी को सोते हुए, वो कब से कितने घंटों से देख रही थी, किसी को नहीं पता, ठीक है। गौर करने वाली बात एक और है कि ये उनने मेरे को अलग से इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो छत पे जाने का गेट जो होता है वो बाहर से बंद था, जब वो छत पे थी वो बाहर से बंद था। तो एक बात बताओ, जब बाहर से आपने गेट बंद कर दिया है और जब वो छत पे है तो वो छत पे पहुंची कैसे, समझ रहे हो, आप अगर अंदर चले गए तो फिर अंदर से बंद करोगे, गेट बाहर से बंद था, वो छत पे पहुंची कैसे, ये भी अभी तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। बट काफ़ी क्रीपी ये सीन था, जो मेरे को सुन के काफ़ी गूस बम्स हो गए, मेरे अभी भी रोंगटे कांप गए। खैर, तो ये सब जब हुआ, सब संभाल रहे, कुछ ये चिल्ला रही है कि मार दूंगी इसको जान से, और चन्नू डर गई एकदम, ऐसे करके बैठ गई अपने ही रूम के बाहर, ऐसे करके बैठ गई, और एक आध कोई लेडी एडी उनके आसपास आके बैठ गई, अरे अरे क्या हो गया, बट बेटी रो मत, कुछ ना ही हो, तो एकदम डर के ऐसे बैठ गई, है ना, डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई, रो रही है, मम्मी ऐसे क्यों कर रही है वो। अब क्या हुआ, वो चिल्ला रही है मार दूंगी, 2-5 मिनट हुई, कंटिन्यू ऐसा चलता रहा, अभी समझ नहीं आ रहा क्या करे। इतने में चन्नू बैठी हुई अचानक से खड़ी हुई, उसको अचानक से झटका लगा ऐसा, वो लिटरली हवा में इतना लेविटेट हो गई, इतना फॉर जस्ट 2 सेकेंड्स लेविटेट हुई एंड गिरी। सामने देखा, तुम क्या मारेंगे मुझे, मैं मार दूंगी तुझको, तो ये बोली। वरुण वाज लाइक, यहाँ पे एक नहीं झेली जा रही, दो दो के अंदर अब सबकी फटी भाई, एक कंट्रोल हो रही, दो का कैसे करे। अरे ये दोनों लेडी थी, उन्होंने पकड़ा इसको चन्नू को, वरुण बाय लक चन्नू उतना वो नहीं कर रही थी, बस वो बोल रही थी कि इसको मार डालूंगी, वो बोल रही है तू क्या मारेगी मुझे, तू कैसे मारेगी, मैं मारूंगी, तूने जान लिया मेरी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब अभी ये दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लिटरली कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में ये दोनों, बट एक्चुअल में ये दोनों कन्वर्सेशन नहीं कर रहे, इनके अंदर से कोई और कन्वर्सेशन कर रहा है, कोई और ही टावर कनेक्ट हो गया, कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। और ये बातें इन लोगों को समझ नहीं आ रही, क्यों मार देगी, कौन है इनके अंदर, क्यों, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस पकड़ रहे कि क्यों ऐसे कर रही है। जो मामी जो थी, मामी के अंदर जो भी था, वो बोला कि चलो जाओ मेरे घर से, दिख मत जाना यहाँ पे तो दूसरी बार। और चन्नू फिर बोली, तूने मारा है मुझे, तूने मारा है, तू जा यहाँ से, तेरी वजह से मरी हूँ मैं। ये सब चल रहा था। तो अब एक और चीज उसने बताई कि इन दोनों की जब बातें चल रही थी ना, तब आवाज पहले तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, बट बाद में क्या था ना, जो मामी की आवाज़ थी वो इतना चेंज हो गई, जैसे समझ रहे हो, ऐसे नहीं कि बहुत डार्क आवाज़ होगी, गाड़ी आवाज़ होगी, अलग बड़दार आवाज़, नहीं, जो आवाज़ है ना वो पूरी चेंज ही होगी, मतलब किसी और इंसान की आवाज़ है। ऐसा लग रहा था कि ये लेडी बोरिंग, इनकी आवाज़ पता होता है ना, तुम कंटिन्यू सोचो बहुत सालों से किसी को सुन रहे हो,
ठीक है, तुम्हारे घर पे मम्मी पापा जो भी है उनके साथ बात करो, उनको आपको पता है कि उनकी आवाज़ कैसी है, एंड सडनली आपके पापा बोल रहे हैं आवाज़ समझो आपके दोस्त की आ रही है या फिर आपके चाचा की आ रही है, मतलब कितना अजीब लगेगा। तो उस तरह से हो रहा था, उनकी आवाज़ पूरी चेंज हो गई जैसे कोई और इंसान बात कर रहा है, उनकी आवाज़ चेंज हुई। चन्नू का क्या हुआ, चन्नू बोलते बोलते हाफ रही थी ऐसे, तुझे मैं मार दूंगी, उसके सांस नहीं ली जा रही, ऐसा लग रहा था कि रुक रुक के धीरे धीरे थोड़ा टाइम बाद तो जब वो बोलने लग गई तो ऐसा लग रहा था कि वो बोल रही है लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि हर जुक चल मार तू जा चल जा ऐसा। तो दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं अलग अलग, बट वो दोनों कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये सब डिकोड कर रहे हैं फिर से जो, अरे भाई सुधर जाए भाई तू। बेसिकली ऐसे माहौल में फिर दो तीन लड़के और पड़ोस से बुला लिए, तो दो तीन इनको पकड़े दो तीन इनको पकड़े और दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन, मतलब अगर छोड़ दो ना तो मार देंगे जान से, मार ही देंगे कन्फर्म है कि जान से तो मरे ही है। अब इन दोनों का चल रहा है मैं मार दूंगी तू जा यहाँ से मेरा घर है ये वो चल रहा है, इतने में तो अम्मा जो थी नानी उनने सोचा कि अब पारनी पड़ेगी, फटाफट से अंदर गई लकड़ियाँ लाई बीचों बीचों कुंड वाला बनाया कुछ लकड़ियाँ जलाई, देवता को हाथ जोड़ के देवता अब तो पधारो प्लीज़ अब आ जाओ कुछ करें कृपया करके वरना अब फैमिली तबाह हो जाएगी हमारी परिवार तबाह हो जाएगा। वो हाथ जोड़ ही रखे थे इतने में मैंने जो बताया जिनके अंदर देवता आते दूर की मामा से वो आए भाग के गए जो लकड़ियाँ जल रही थी वहाँ पे हाथ मारा जोर से हाथ मार के बोले चुप हो जाओ, सारी लकड़ियाँ उड़ती हुई एक मामीसा की ओर गई एक चन्नू की ओर गई, दोनों के आसपास लकड़ियाँ गिरी सारी आग बुझ गई, जलती आग में उन्होंने हाथ मारा है गैस वॉट, जब उन्होंने वापस हाथ उठाया हाथ पे एक निशान नहीं है जलने का या कुछ भी काला, जैसा हाथ था वैसा का वैसा, मार के चुप हो जाओ यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है एक चूने निकलने चाहिए अब तुम्हारे मुंह से, ऐसे करके इसी हाथ को उनने ऐसे किया, एक खटिया पड़ी थी वहां पे। अब ये चीज मुझे बिलीव में नहीं आई थी जब उसने बताई थी, बट देवी शक्तियां होती है इतनी पावरफुल मुझे पता है, अब जो मुझे जो बताया मैं आपको बता रहा हूँ वही हाथ को उनने ऐसा किया, इतना पावर था उस हाथ में, वो खटिया जो थी वो नीचे जो टंकी बनी हुई थी छोटी सी जहाँ पे हाथ धोते थे वो उड़ के उस टंकी के सीधा ऊपर, समझ रहे हो, पूरी खटिया उड़ के टंकी के ऊपर पहुंच गई इतनी इतनी हाइट पे उड़ के एक हाथ के उस प्रेशर से। लाइक ये जब सबने देखा सब देवता को ढोक करने लग गए कि अरे देवता देवता माफ करो सही कर दो सब कुछ सही कर दो प्लीज, सब एकदम चरणों में पड़ गए देवता पधार गए देवता प्लीज ये सही कर दो ये सब कुछ सही कर दो, एंड देवता ऐसे कांप रहे थे पूरे बहुत क्रोध में थे लग रहा था ना, और उन को बोला तुम दोनों दोनों चुप हो जाओ एक चूनी निकलनी चाहिए मुंह से, जैसे ही ये बोला वो दोनों इतना चिल्ला रही थी दोनों की दोनों चिल्ला चिल्ला थी चुप यूं खड़ी हो गई एक ही पोजीशन में, समझ रहे हो, दोनों की दोनों चिल्ला रही है जैसे बोला चुप तो यूं बस एक टक देवता की ओर देख रही है, देवता कांप रहे हैं पूरे, उनकी जगह की जो स्थानिक भाषा है वो बोले क्या लेने आई हो यहाँ पे, तो मामी के अंदर जो थी उनने बोला कि हम आया पूरी बुलाया हमको, मतलब बुलाया है किसी ने बुलाया हमको हम आए नहीं है ऐसा बोला, तो देवता ने वापस बोला कि काई मिलेगा कलेश करण घर में कलेश करण काई मिलेगा, घर में कलेश क्यों कर रहे हो फैमिली के अंदर क्यों झगड़े करवा रहे हो मार क्यों रहे हो क्या दिक्कत है, ये बोलने के बाद बोले कि अब तो यहाँ से निकल जाओ और कौन बुलाया तुमको, मतलब किसने बुलाया तुमको, तो ये जो चन्नू थी वो बोली भाई बुलायो, मतलब उसी ने बुलाया, अब उसी ने किसने देवता ने आग बंद करी, दो मिनट इसने देवता ने जब आग बंद करी उन दोनों ने भी आग बंद करी अपनी अपनी, ये देखना ये चल रहा है ठीक है, अपनी अपनी आंखें बंद करी, देवता ने 5 या 10 सेकंड के अंदर आग खोली और यूं देखा वहां पे खड़े थे छोटे मामा जिनने वो बाबा को भगाया था, उनको देख के बोल रहे छोरा ज्यादा पढ़ लिख लिया तू, देवता ने जैसे ये बोला सब अचानक से शॉक, भाई ये क्या मामा की आ गई भाई मामा की तो खैर नहीं है, ये बोल के बोले तने अपमान किसे करो आपको बाबा को अपमान किसे करो तने, भाई ये जैसे ही बोले सब समझ गए कि अच्छा तो ये स्टोरी वहां कनेक्ट हो रही है, एक्चुअल में बाबा का जो अपमान किया था उन्होंने वो पानी छिड़का था तो ये इस वजह से ये दोनों आत्माएं इसके घर में आ गई और ये इतना कलेश हो रहा है, एंड सही टाइम पे देवता नहीं आते तो, और देवता इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रुष्ट थे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे इस चीज़ों से, अब उन्हें जब याद किया तो पता चल गया हाँ पर्टिकुलर ये चीज़ है कि भाई
इस चीज से नाराज है क्योंकि उन्होंने बाबा को अपमान करके भगा दिया था। तो भाई नानीसा ने बोला कि माफी मांग, अभी कभी माफी मांग। तो उनके छोटे मामा था, उन्होंने तो आंखों से देखा अपनी ये सब, तो तुरंत चरणों में पड़ गए कि माफ करो देवता महाराज, माफ करो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मेरे से गलती होगी, बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे परिवार को कुछ हानि मत पहुंचाना, सुरक्षा करो देवता महाराज, मेरे घर की रक्षा करो। सब बोला बहुत प्यारे हैं, बड़े 5-10 मिनट तक। तो कांपते कांपते बोले कोई बात कौन यूं करके, फिर उन्होंने सामने देखा वापस उन दोनों की ओर। ठीक है, उन दोनों को देख के बोले अभी चले जाओ यहाँ से, समझ गए, दिख मत जाओ वापस। उन्होंने ली भभूत, जो जल रखा था उसके अंदर भभूत ली गरम गरम, दोनों के पास जाके माथे में रगड़ दी, पूरा सरवर में रगड़ दिया और आसपास कोई सब हट गए। रगड़ा, जैसे रगड़ा उन दोनों ने ढोक दी, दोनों ने ढोक दी उनको, ढोक दे के दोनों वहीं बेहोश ऑन द स्पॉट सेम टाइम। ये इतना होने के बाद में सब शॉक पे थे कि ये अभी उन्होंने अपनी आंखों से देखा क्या है, लिटरली पूरी एक फिल्म बन गई उनकी आंखों के सामने। तो आंखों के सामने ये सब हुआ एंड वरुण तो बहुत मतलब 10-11 में बहुत कांप गया था। ये सब ये सीन जब भी बोलता है कि मैं याद करता हूँ तो मतलब कब कभी सी छूट जाती है सब देख के। पिक्चर शुरू होके क्लाइमैक्स तक वो वहीं था, उसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ एंड वो सीन मतलब आप इतने छोटे हो और आप आपकी जैसा आंखों के सामने किसी को देख रहे हो छत से कूदते हुए किसी लेडी को, और पैर भी बैंड नहीं हो रहे हैं, इतना खतरनाक, इट वॉज लाइक नाइटमेयर फॉर होल लाइफ। तो देन सब लोगों ने देवता को हाथ पैर जोड़े कि भाई, पर सबके दिमाग में एक सवाल था, आपके दिमाग में होगा कि वो दोनों लेडी थी वो थी कौन, ऐसे जानी दुश्मन क्यों बनी हुई थी। फिर देवता ने रिवील किया एक्चुअल कि वो दोनों लेडी कौन थी, कि ये जो बड़ी मामी जो थी उनके अंदर जो लेडी आती थी वो कौन थी, उनकी ये जो चन्नू थी उसकी एक्चुअल मॉम जिनकी डेथ हो गई थी, और चन्नू के अंदर कौन आता था, उसकी फ्रेंड की आत्मा जो थी छाया। अब ये कैसे हुआ कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की जान की दुश्मन कैसे बन गई मरने के बाद भी। एक्चुअल में क्या था कि ये जिस घर में जो घर है उनका रामपुर में काफी बड़ा था, तो ऊपर भी जगह थी, मैंने आपको बताया था काफी बड़ा घर है, ऊपर के फ्लोर पे छाया और उसकी पूरी फैमिली रहती थी, और छाया जो है वो चन्नू जो है उसकी काफी अच्छी फ्रेंड थी, बहुत क्लोज फ्रेंड थी, बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड थी। तो पूरे दिन खाते पीते सोते सब कुछ साथ में करते थे, मतलब बचपन से लेकर तब तक। एंड जो बड़ी मामी थी वो नीचे रहती थी, ऑब्वियसली उनका पूरा घर था सबका। वो लोग मंदिर गए थे, किस मंदिर गए थे मुझे कम्प्लीटली याद नहीं, किसी माता का मंदिर था, तो वहाँ पूरी गाड़ी भर के गई थी, पूरी जीप थी वो पूरी जीप भर के गई थी, एंड कॉर्नर पे लास्ट दोनों कॉर्नर जो जीप पीछे से खुली होती है, लास्ट दोनों कॉर्नर पे एक साइड उनकी मामी बैठी थी, एक साइड छाया बैठी थी। ठीक है, एंड वो दोनों लास्ट में बैठे थे, छाया जो है ऐसे पैर बाहर लटका के बैठी थी कि मैं ठंडी हवा लूँगी ऐसा, जब एक्सीडेंट हुआ था और उनकी डेथ हुई थी तब की बात है। तो देवता ने बताया कि जब जब डेथ हुई थी कैसे हुई थी कि जीप ने क्या है कि जो ड्राइवर था वो उसको नींद की झपकी लग रही थी एंड उसने पेड़ पे गाड़ी से सीधी चढ़ा दी, ऐसे ठोक दी और ऊपर चढ़ गई ड्राइवर, समझो ये पेड़ है तो गाड़ी ऊपर चढ़ गई। तो क्या हुआ कि चन्नू गिर गई, चन्नू बिल्कुल ऐसे गिरने, क्योंकि लास्ट कॉर्नर में बैठे थे तो वो गिर गई एकदम से, और फिर यूं जाएगी तो गाड़ी वापस उसके ऊपर से आनी है, तो वो कोशिश करी उसने वापस ऊपर आए, वापस ऊपर आने के लिए उसने ऐसे हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाया और पकड़ने की जगह उसने किसका हाथ पकड़ लिया, मामी का, तो मामी का हाथ पकड़ के उनको भी गलती से खींच लिया, तो दोनों नीचे गिरी और जो गाड़ी थी वो पूरी उनके ऊपर से चली गई। फिर जब ऊपर से गई थी तो आई थिंक मामी के तो कुछ सरिया वरिया लग गया था और वो तो छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी, तो वो तो खत्म ही होगी वहां पे, तो ऐसे दोनों की वहां पे डेथ हो गई थी। तो इन दोनों को बदला था कि भाई इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, ये क्या कन्फ्यूजन थी मुझे नहीं पता, बट वो उनके मन में बैर रह गया, भेद रह गया पता नहीं, और या फिर ऐसा कहते हैं कि मरने के बाद तो खैर वो छोटी बच्ची से क्या ही बैर रहता, लेकिन वो जो बाबा आए थे वो छाट के गए थे, तो उनने उन दोनों आत्माओं में मतलब वो दोनों शक्तियाँ भर दी कि तुम लड़ो इस घर में अंदर जाके लड़ो। तो उन दोनों की आत्माएं इन दोनों को अपना सेल बना के उनके अंदर फिर लड़ने लग गई थी, एंड अगर देवता सही टाइम पर नहीं आते तो वो उस दिन खत्म था, दी एंड था। एंड सिर्फ उन दोनों का नहीं, और जाने कितनों का था पता नहीं, देवता ने बोला कि भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तुम्हारा महीने के अंदर पूरा परिवार ही समाप्त हो जाता, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, पर तुमने सही टाइम पर संभाल लिया, कुछ कुछ करके मेरे को बुलाया, मैं स्टार्ट में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि नाराज था, एंड ये सब जब पता चला पूरी स्टोरी पीछे से रिवील हुई कि अच्छा ये है। एंड चन्नू को सेल इसलिए बनाया था वो तो ऑब्वियसली क्योंकि उनकी फ्रेंड थी बहुत अच्छी, इसलिए वो उसके अंदर आई थी, और मामी
के अंदर इसलिए क्योंकि वो उनकी रिप्लेसमेंट थी, स्टेप मॉम थी उनकी इसलिए। एंड हाँ, ये भी रिवील किया कि जब स्टार्ट में जो इंसिडेंट्स हो रहे थे कि जब वो बाथरूम में गई थी एंड तेल से फिसल के गिर गई थी, तब चन्नू ने बोला था कि मैं 2 मिनट पहले तो गई थी, कुछ नहीं था वहाँ पे तेल वेल। चन्नू खुद वहाँ पे तेल डाल गई थी, पर उसको नहीं पता था, उसके अंदर वो चीज़ आती थी, वो करती थी, वापस चल जाती थी, फिर उसको भूल जाती थी। जब चन्नू के साथ कुछ बुरा होता था तो उसमें ये मामी का हाथ होता था, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ आती थी, वो बड़ी मामी, और वो बुरा करके चली जाती थी, ऐसा था सब कुछ। तो वो सारे हाथ से आपस में इस तरह से कनेक्टेड थे, जैसे मामी की वो लुगड़ी आ गई थी लालटेन में, और सबसे पहले किसने बुझाई? चन्नू ने बुझाई, क्योंकि वो उसी ने तो जलवाई थी। तो ये सब सारे सीन थे। एंड फिर वो एंड में रिवील हुआ, पता चला सब कुछ, और देवता ने बोला कि इन दोनों को कभी भी जो रामपुर गाँव है वहाँ पर एक साथ मत छोड़ना, दोनों कभी भी, वो अगले दिन निकल गए थे, पर दोनों एक जगह पर नहीं रहना चाहिए। तो स्टडी के लिए तो फिर वो हमें स्टडी करती थी चन्नू, तो वहीं पर रुकी। एंड उसकी जो स्टेप मॉम और उसके पापा है वो गांव से थोड़ा शिफ्ट हो गए दौसा को, दौसा सिटी आपको बताया राजस्थान में, मैं पास में ही है अभी यहाँ से थोड़ा सा, तो वहाँ पर शिफ्ट हो गए। एंड अभी भी वो वहीं पर शिफ्टेड 7-8 साल से, एंड मिलने जाता है अपनी बेटी को, अपने घर देखने जाता है। जब भी जाता है तब आप यकीन नहीं करोगे, जितनी बार भी वो जाता है, जैसे अभी हर रोज़ सेम सब कुछ चल रहा है, लेकिन जब भी उन्हें सोचा, सिर्फ ये थॉट आया कि चलो आज जाना है वहाँ पे या फिर कल जाना है, जो मामी है उनका अचानक से रोना चालू हो जाता है। जैसे बाल बार ये ना जाने के लिए, तभी से रोना स्टार्ट अपने आप ही चिल्लाना, एक तक देखते रहना ऐसे, और अजीब बिहेव करेंगी, पागलों जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, सिर्फ सोचने से कि हमको वहाँ जाना है, वो ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। एंड यूजली तो ये होता है जब ये आती है तब चन्नू को कहीं और भेज देता है, लेकिन जब भी ऐसा होता है कि दोनों साथ में, कहीं फंक्शन में दोनों साथ में है, तो मामी जो है हमेशा हर रोज़ कंपलसरी रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में मामी के अंदर ऐसा कुछ होता है कि रात को 2-2:30 बजे उठ के अचानक से उनको उब के आना स्टार्ट हो जाता है ऐसे, मतलब वो जो भी चीज़ है वो इतना हैविली आने की कोशिश कर रही है उनके अंदर, बट वो ऑब्वियसली देवता ना बोल जाए तो वो एंटर कर नहीं पा रही, तो वो आ नहीं पा रही, बट वो गले में ऐसा लगता है कि कुछ अटक रहा है, मतलब, और इतने जोर के उबा के आता है, मतलब लिटरली वो बोल रहा था कि रिसेंटली भी अभी हो गया था 2-3 साल पहले, तब भी ऐसा हुआ था दोनों साथ में थे, तो रात को इतने जोर के उबा के आए थे, मतलब ऐसे वाले खतरनाक कि पूरे आंखों में से आंसू, यहाँ से गला फट जाए इंसान का, इतने खतरनाक कि आसपास घर उठ जाए पूरे, इतने जोर के उबा के आते हैं। तो इन जनरल यही होता है कि दोनों एक साथ उस घर में नहीं रहते, बाहर कहीं मिल लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उस गांव में आ गए खत्म। एंड चन्नू के लिए अच्छी न्यूज़ यह है कि चन्नू के अंदर जो छाया थी उसको मुक्ति मिल गई अपनी, तो उनको अपना जो टाइम स्पेंड ख़त्म करना होता है आत्माओं को, वो लेके चली गई, अभी ऊपर पहुंच गई। लेकिन ये जो है मामी, उनके अंदर आने की कोशिश करती है अभी भी, वो पता नहीं क्यों अभी भी कोशिश करती है जितनी बार भी वो गांव जाती है। एंड ये चीज़ अभी भी चल रही है, ये सोच के मतलब कब कभी से उठ जाती है। हाँ, सो दिस वॉज द स्टोरी गाइस, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और तो क्या। एंड फनी वीडियोस में देखना चाहते हो, मेरे फनी साइड देखना चाहते हो, तो कॉमेडी शॉर्ट्स के चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके सब्सक्राइब कर लो उसको भी। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।